और सब कैसा है? आई रियली होप कि सब बढ़िया हो। मैं हूँ आपका दोस्त आकाश राठौर। अभी पहुँच चुका हूँ बॉस्टन और खड़ा हूँ MIT में, जो कि टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंस्टीट्यूट्स में से एक है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जस्ट उसके कैंपस पे ही खड़ा हूँ और आज की वीडियो में देखते हैं कि MIT का कैंपस कैसा है और ओवरऑल यहाँ का जो कल्चर है उसके बारे में बहुत और कुछ जानते हैं। MIT से रिलेटेड कई सारी बातें आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो पीछे जो मेरे बिल्डिंग है वो है स्टूडेंट सेंटर MIT का, जहाँ पे स्टूडेंट्स क्लासेस के बीच में आते हैं और वहाँ पे कैफेज़ एंड ऑल, बैठने की पूरी फैसिलिटी उस तरह का है। तो चलते हैं स्टूडेंट सेंटर देखते हैं और बहुत कुछ है। इनका कैंपस सिटी के बिल्कुल बीच में बना हुआ है, चार्ल्स रिवर के पास में। तो बहुत ब्यूटीफुल कैंपस है, मैंने थोड़ा बहुत देखा पर आपको भी पूरा अच्छे से दिखाता हूँ। तो पहले चलते हैं स्टूडेंट सेंटर में एंड देन धीरे धीरे चलते हैं अलग अलग बिल्डिंग्स में। तो ये इनका स्टूडेंट सेंटर है, यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठ के पढ़ रहे हैं और काफ़ी एंड खाने पीने की फैसिलिटी है। तो ये पूरी बिल्डिंग मल्टी फ्लोर है और हर फ्लोर पे डिफरेंट टाइप ऑफ किचन कुजीन वो सब आपको मिल जाते हैं। पूरे MIT कैंपस में ऐसी टनल्स हैं जो बहुत पॉपुलर हैं और हर साल स्टूडेंट्स जो अपकमिंग स्टूडेंट होते हैं उनको बताते हैं इन टनल्स के बारे में। और बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो सिर्फ स्टूडेंट्स को ही पता है, और वो इस पर कुछ म्यूरल्स करते हैं, पेंटिंग वगैरह करते हैं और अलग अलग जगह डिफरेंट टाइप की पेंटिंग्स आपको मिलती हैं। और स्टूडेंट ठंड के टाइम पर इन टनल्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं ताकि उनको बाहर नहीं जाना पड़े और स्नो या जो भी विंटर उसको फेस ना करना पड़े। पूरा कैंपस है वो इंटरनल टनल राउट से कनेक्टेड है। ये भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा देख के कि कितना सही है, कि मैं अभी नॉन पी कार में आया हूँ तो इसलिए भरा हुआ नहीं है, तो अच्छा है कि ईजिली मैं वॉक कर पा रहा हूँ, वरना यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं ऐसा उन्होंने मुझे बताया। तो स्टूडेंट सेंटर से निकलते हैं और देखते हैं आसपास जो मेन बिल्डिंग है उनकी वो कैसी है अंदर से। फैसिलिटीज़ के मामले में बहुत अच्छा है, इनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हैं हर चीज़ की। एथलेटिक्स इनका सबसे बड़ा है पूरे US में, जो एथलेटिक्स के लिए इनका पूरा इन्वेस्टमेंट है वो पूरे US में सबसे बड़ा है हर यूनिवर्सिटी को मिला के। तो ओवरऑल MIT तो ग्रेट है ही, आपको पता ही है टेक्नोलॉजी वाइज। एंड कई सारी चीज़ें जो मुझे अभी पता चली मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग था टूर एंड ऑल। तो और डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ अभी, पर चलते हैं पहले किसी बिल्डिंग के अंदर। ये MIT के जो मेन बिल्डिंग है, जो काफ़ी पॉपुलर बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर का हॉलवे है जहाँ पर मैं अभी चल रहा हूँ। आसपास जो रूम्स है वो एडमिनिस्ट्रेशन के रूम्स हैं, सो कॉलेज ऑफ एडमिशन जो फर्स्ट ईयर काउंसलिंग करने वाले रूम्स, उस तरीके के रूम्स हैं इस पूरे हॉलवे में आसपास। एंड ये जो पूरा एरिया है इसके ऊपर एक बहुत बड़ा डोम है जो सबसे पॉपुलर है MIT को। जब भी आप गूगल करते हैं तो वो डोम आपको दिखता है, तो वो डोम इस बिल्डिंग के ऊपर है। वो डोम एक लाइब्रेरी है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर है। थोड़ी सी हिस्ट्री MIT के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो ये जो डोम है जिसके बारे में अभी बता रहा था आप लोगों को, ये वो पॉपुलर डोम है जो MIT का फोटो में आता है जनरली। और ये डोम एक लाइब्रेरी है जहाँ पे जाने का रास्ता यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता ऐसा बताया गया मुझे, और सिर्फ स्टूडेंट्स को पता है कि कैसे वो जो टनल्स हैं जो MIT के पूरे अंडर चलती हैं उनको यूज़ करके उसके डोम के टॉप तक पहुँचा जा सकता है। तो MIT पे एक सेफ्टी के लिए जो पुलिस है वो बहुत पॉपुलर यहाँ पे ज़्यादा चलती है। एक टाइम पे MIT के कैंपस में कार चलाना अलाउड था स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स कार चलाते थे। मैंने आसपास बहुत देखा कि सिक्योरिटी सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कैम्ब्रिज पुलिस जो है वो यहाँ पर घूमती रहती है। तो उन्होंने बताया कि कैम्ब्रिज पुलिस ने जब स्टूडेंट कार चलाते थे, अभी कार चलाना बंद है यहाँ पे, पर जब चलाते थे तो बहुत ज़्यादा टिकट्स उनको दिए पूरे साल। तो टिकट्स देते गए, पार्किंग टिकट्स हर जगह जगह, एंड स्टूडेंट इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए कि उन्होंने एक रात को पुलिस की गाड़ी उठाई, उसको डिसअसेंबल किया पार्ट्स बाय पार्ट्स, और सारे स्टूडेंट उस कार को लेके चले गए इस डोम के ऊपर उस सीक्रेट टनल से, और वहाँ जाके कार को असेंबल कर दिया। तो जब जब MIT के एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा
तो एक कार उनको उस डोम के ऊपर मिली, जो कि बहुत ज़्यादा फनी प्रैंक था। और बाद में उनको काफ़ी सारा खर्चा करके उस कार को नीचे लाना पड़ा। वो कार MIT के म्यूजियम में अभी भी रखी हुई है, तो मुझे अगर वहाँ पर एंट्री मिलती तो मैं आपको लेके ज़रूर जाऊँगा वो कार दिखाने। बट काफ़ी फनी स्टोरी है कि स्टूडेंट्स इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि उन्होंने कार को डिसअसेंबल करके ऊपर ले गए और जितने भी पार्किंग टिकट्स थे वो सारे उस कार के अंदर भर दिए, जितने भी उनको टिकट्स मिले पूरे साल के। तो इस तरीके के कुछ काम यहाँ पे होते रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को प्रैंक्स वगैरह वो लोग करते रहते हैं। MIT का कैंपस काफ़ी ग्रीन है और इनके पास एक पूरा जो एनवायरनमेंट का एक पूरा बिल्डिंग है, एक पूरा डिपार्टमेंट डेडिकेटेड है एनवायरनमेंट एंड स्पेस, और उसके लिए तो वेदर रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करते हैं, ग्रीन बिल्डिंग उसको बोलते हैं। और सामने चार्ल्स रिवर है जिसके उस साइड हार्वर्ड है, सो एक साइड हार्वर्ड रिवर एंड MIT, इस तरीके का कुछ बॉस्टन में इन्होंने पूरा हब क्रिएट कर रखा है एजुकेशन के लिए। सो सामने हार्वर्ड और यहाँ पे MIT। तो मेन बिल्डिंग के जस्ट पीछे की साइड MIT के डॉर्म रूम्स, और MIT में डॉर्म कल्चर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। सिर्फ एक डॉर्म रूम है जहाँ पे सिर्फ फीमेल्स रहती हैं, उसके अलावा सारे जो डॉर्म्स हैं वो कोएड हैं, जेंडर न्यूट्रल हैं, सभी जेंडर वहाँ पे रह सकते हैं। और काफ़ी फ्लेक्सिबल इनका डॉर्म रूम है, लोग चारों साल अपने डॉर्म्स में रहते हैं और काफ़ी पॉपुलर यहाँ पे डॉर्म कल्चर। 85% ऑफ द कम्युनिटी जो है जो अंडरग्रेड स्टूडेंट्स हैं वो डॉर्म्स में ही रहते हैं। कुछ इस तरीके के डॉर्म्स हैं और हर डॉम में अपने अपने मील प्लान्स होते हैं। अगर आप मील प्लान में इनरोल करते हैं तो आप किसी भी डॉम में खाना खा सकते हैं जहाँ का भी आपको पसंद हो। बड़ी पूरी स्ट्रीट है एक जहाँ पर डॉम्स ही डॉम्स लगे हुए हैं इनके। सो एक के बाद एक डिफरेंट स्टाइल आर्किटेक्चर के डॉम्स हैं। यहाँ स्टूडेंट हॉस्टल जो है उस तरीके के हैं, जो डॉम्स रूम है बेसिकली वो हॉस्टल है। तो इंडिया में हम उसको हॉस्टल बोलते हैं पर यहाँ पर डॉम रूम्स बोला जाता है। कैंपस से आउटसाइड हाउसिंग जो है वो यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बट जो स्टूडेंट रहते हैं आउटसाइड वो भी MIT ओन्ड जो अलग अलग टाइप की बिल्डिंग्स है उसमें ही रहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो MIT की बिल्डिंग्स में ही रहते हैं। ये इनका बहुत पॉपुलर जो ग्रीन बिल्डिंग है जिसके बारे में बता रहा था, बॉस्टन की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी बहुत ज़्यादा टाइम तक, लॉन्गर टाइम तक। फिर इसके ऊपर जो ग्लोब जैसा लगा हुआ है वो वेदर रिपोर्ट्स वगैरह कैलकुलेट करने में आता है। और इस बिल्डिंग के ऊपर भी स्टूडेंट्स चढ़ जाते हैं और वहाँ से नाइट्रोजन जो है लिक्विड नाइट्रोजन उसमें डुबो के पंपकिंस को फेंकते हैं नीचे, और वो भी एक MIT ट्रेडिशन है यहाँ का कि साल में एक बार वो इवेंट होता है और पूरे MIT के जो ग्रुप्स हैं वो उसको देखने के लिए आते हैं सारे स्टूडेंट्स, और बताया कि बहुत फन इवेंट होता है। और ये जो बिल्डिंग मेरे पीछे है, दिस बिल्डिंग इज़ कॉल्ड स्टाटा बिल्डिंग, जहाँ पे इनके डेटा साइंस और उसके जो प्रोग्राम्स हैं वो होते हैं। और इसका जो आर्किटेक्चर वो काफ़ी डिफरेंट है, तो वर्ल्ड रिनाउंड आर्किटेक्ट जो है उन्होंने ये बिल्डिंग बनाई है। और कुछ मिक्स एंड मैच है, तो इसके आर्किटेक्चर के बारे में स्टोरी है कि उन्होंने जितने भी ड्राफ्ट्स बनाए उनको नहीं पसंद आया, तो इन दी एंड जब सबमिशन की बारी आई तो उन्होंने सारे जो उनके सिंगल सिंगल ड्राफ्ट थे उनको कंबाइन करके ये बिल्डिंग का डिज़ाइन प्रेजेंट किया और MIT को वो पसंद आया, और इसलिए ये बिल्डिंग कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में है। स्टाटा बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे भी कैफेज एंड ऑल, जो लंच टाइम है वो हो गया था, काफ़ी भीड़ है स्टूडेंट्स की, पर यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैफे एंड कुजीन आपको मिल जाता है। इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स में मैं नहीं जा पा रहा हूँ बिकॉज इट्स टू बिग। तो MIT का कैंपस बहुत बड़ा है, वॉकिंग पे है, बट अंदर शटल भी चलती है जो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, तो मुझे उसमें भी एंट्री नहीं है, तो मैं एक एक डिपार्टमेंट नहीं दिखा सकता। बट जो भी अच्छी चीज़ें वो मैंने दिखाई, फिटनेस क्लब इनका बहुत बड़ा, एथलेटिक सेंटर है वो भी पीछे ही है, वो जैसा कि मैंने बताया वो पूरे जो US के एथलेटिक सेंटर है सबसे बड़ा एथलेटिक सेंटर है MIT का। और MIT का जो कैंपस है उसी में मैं वॉक कर रहा हूँ, यहीं पर जस्ट सामने गूगल का कैंपस है। सो MIT के कैंपस से जस्ट लगा हुआ ही है, ये गूगल कैंपस है सामने। तो एसेंशियली स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ें और सामने ही गूगल में प्लेसमेंट ले लें। इनका एवरेज जो प्लेसमेंट है MIT के स्टूडेंट्स का वो था $105,000। सो उतना पैकेज अंडरग्रेड करने के बाद यहाँ से एवरेज स्टूडेंट का लगता है तो ज़्यादा कम होता है, बट 105,000 एवरेज है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। 48% ऑफ द जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी जॉब लग जाती है, 43% हायर एजुकेशन के लिए चले जाते हैं, और रिमेनिंग जो छोटा सा परसेंटेज है वो मिलिट्री सर्विसेज, आर्ट्स, लिटरेचर, ट्रैवल इधर उधर जाते हैं। बट कुछ इस तरीके से परसेंटेज डिवाइडेड है जो ग्रेजुएट क्लास है उनका। लेफ्ट में मेरे हैं MIT का वेलकम सेंटर, जहाँ पे वो वेलकम करते हैं पेरेंट्स का या जो भी टूर करने आ रहे हैं उनका।
और राइट में MIT का म्यूजियम जिसमें वो भी चलते हैं और देखते हैं अगर वो कार भी रखी है तो वो कैसी है जिसको स्टूडेंट्स ने डिसअसेंबल करके बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा दिया था। तो यहाँ से म्यूजियम, ये MIT का म्यूजियम है जिसके अंदर अभी मैं खड़ा हूँ। $20 इसकी एंट्री फीस है अगर आप पूरा म्यूजियम देखना चाहते हैं, और हर जगह फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है तो मैं अंदर आपको नहीं ले जा पाऊँगा, बट ओवरऑल एंट्री कुछ इस तरीके की है। और यहाँ पे MIT का जो सारे ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं वो रखी हुई हैं और अलग अलग थीम पे होता है एवरी डे। सो कभी इंजीनियरिंग का थीम होता है तो कुछ फ्लोर पे पूरा इंजीनियरिंग का, कभी फूड का होता है तो फ्यूचर फूड्स क्या है, MIT क्या रिसर्च कर रहा है तो रिसर्च से ओरिएंटेड चीज़ें वो डिस्प्ले करते हैं, और बाकी एक हिस्टोरिकल सेक्शन तो है ही उनका। और ये MIT का वेलकम सेंटर है, यहाँ पे बैठ के ओरिएंटेशन होता है, इनिशियल ओरिएंटेशन जो होता है। और वेलकम सेंटर के जस्ट बाहर ट्रेन चलती है जो पूरी बॉस्टन को कनेक्ट करती है, टी जिसको बोलते हैं बॉस्टन में, और वो भी MIT के जो स्टूडेंट कार्ड है उससे लोड हो जाते हैं उसमें भी पैसे। सो यू कैन यूज़ द टी एंड अदर थिंग्स जस्ट यूजिंग द MIT कार्ड। ये टी की एंट्रेंस है जो मेट्रो होती है एक तरह से। पीछे जो ऑरेंज स्कल्पचर्स आप देख रहे हैं वो वुमेन इन साइंस स्टेम फील्ड है उसमें है, जो स्टेम फील्ड में वुमेन अच्छा कर रही हैं, PhD की MIT से, उनकी स्कल्पचर्स उन्होंने लगा रखे हैं पूरे इस एरिया में। सो ऑरेंज कलर के स्कल्पचर्स हैं डिफरेंट वुमेन के। MIT वेलकम सेंटर है और पूरा एरिया भरा हुआ है उन वुमेन से जिन्होंने स्टेम फील्ड में कुछ अच्छा किया है। और जगह जगह कुछ ना कुछ इवेंट होते रहते हैं यहाँ पे। सो हर जगह, जैसे मैंने बोला पुलिस बहुत ज़्यादा दिखती है तो यहाँ पे भी पुलिस लगी हुई है, MIT पुलिस, एंड पूरे कैंपस पे इवेंट्स। और एक जो बहुत अच्छा ट्रेडिशन इनका मुझे लगा वो ये कि प्रैंक्स करते हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो जो MIT का एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ प्रैंक किया जाता है हर साल कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में। तो उसी प्रैंक का जो था वो जो कार ऊपर ले जाने वाला वो प्रैंक था। एक बार इन्होंने कैप्टन अमेरिका की जो शील्ड, वैसे शील्ड क्लॉथ पे बना के जो डोम है MIT का फेमस उसके ऊपर लगा दी थी। तो इस तरीके के प्रैंक्स वो करते रहते हैं हर साल। और टनल सिस्टम में काफ़ी फन इनका जो पूरा एकेडमिक्स होता है वो है, जिसके बारे में उन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी कि कैसे स्टूडेंट कम्युनिटी जो है वो लीड करती है, कैसे इनोवेट करते हैं, रोलर कोस्टर्स वगैरह बनाते हैं ये अपने डोम्स में, तो स्टूडेंट इतना सारा सीखते हैं यहाँ पे। इनका जो मोटो है वो भी ये है कि माइंड एंड हैंड, तो आप काम करें वो सब है, जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है वो मिलता है। फूड ट्रक्स वगैरह भी पॉपुलर है लंच टाइम में, तो हर जगह डिफरेंट टाइप ऑफ कुजीन आपको खाने को मिलता है डॉम्स में भी और फूड ट्रक्स में भी। और फैसिलिटीज़ जो हैं या जो बिल्डिंग्स हैं MIT की, वो ऐसा लगता नहीं कि कोई पुराना इंस्टीट्यूट है या जैसा भी, अंदर से ज़रूर वो वैसी हैं बट इनका जो स्ट्रक्चर, जो रिनोवेशन हुआ है नई बिल्डिंग्स है वो बहुत ज़्यादा स्टेट ऑफ द आर्ट इन्होंने बनाई है। तो जैसे वेलकम सेंटर देखिए कितना ज़्यादा अच्छा है। तो वो देख के बिल्कुल भी नहीं लगता कि एक यूनिवर्सिटी का पार्ट है। इट फील्स लाइक कि डाउनटाउन में कोई बहुत बड़ी कॉरपोरेशन या कोई बहुत फैंसी सी बिल्डिंग है। तो उस तरीके का पूरा कैंपस जो उन्होंने डिज़ाइन कर रखा है। तो 1800s में एस्टैब्लिश्ड MIT का कैंपस टूर कुछ इस तरीके का है, कुछ इस तरीके का कैंपस है। आई होप आपको कैंपस पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।